हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन मिसिंग टूल्स के बारे में देखेंगे। 2017 के अंडर जितने भी अडोब के वर्जन्स हैं उसमें प्रॉपर्टी बार ऊपर की तरफ दिया होता है, लेकिन 2017 के बाद 2018 और 19 में प्रॉपर्टी बार साइड में दे रखा है उन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने एक छोटी सी बेसिक चीज़ क्या कर रखी है, टूल्स बार को उन्होंने यहाँ पे बहुत ही कम टूल दे रखे हैं। यहाँ पे अब देखिए, बहुत जो बेसिक टूल्स हैं वो दे रखे हैं। सिंगल करेंगे इस एरो पे तो सिंगल कॉलम में आ जाएगा, और डबल सिंगल क्लिक करेंगे इस एरो पे तो डबल कॉलम में आ जाएगा, लेकिन टूल्स वो बहुत ही बेसिक। अब कुछ टूल्स इसमें मिसिंग हैं। 2017 से लेके पहले जितने टूल्स आते थे वो उसमें फुल वर्जन आता था। अब इसमें इन्होंने क्या करते, कुछ टूल हिडन कर दिए। अब उस हिडन चीज़ को शो करने के लिए अपन को एक चीज़ करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स को वन टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट्स वाला उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फुल टूल्स आपको शो होगा। उसमें आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब इस टूल को करने के लिए आप अपना कस्टमाइज टूल्स भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ थ्री डॉट्स पे गए, अगर अपन को इन फुल टूल में से कुछ टूल की नीड नहीं है तो अपन क्या करेंगे, किसी भी टूल्स के ऊपर जाकर सेलेक्ट करेंगे, उसको ड्रैग कर देंगे इसके अंदर ऐसे, राइट। तो क्या होगा, इस टूल बार में से वो चीज़ें माइनस हो जाएंगी। जैसे अपन को मैजिक वैंड की अभी नीड नहीं है तो उसको अपन मैजिक वैंड को क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे इस कॉलम के अंदर, इस पैनल के अंदर। जैसे मुझे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की नीड नहीं है तो मैंने इसको क्लिक किया देन इसके अंदर ड्रैग कर दिया। मुझे पर्सपेक्टिव की टूल्स की नीड नहीं है, मैं इसके अंदर गया, मैंने इसको टूल कर दिया। मुझे मैथ टूल की नीड नहीं है तो मैंने मैथ टूल में डाल दिया। वैसे अपन जिस टूल की नीड नहीं है अपन इसको ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट चीज़ तो ये। अब सेकंड चीज़ है इस फ्लाईओवर पे, अगर अपन बेसिक पे जाएंगे तो वो फर्स्ट वाला बेसिक टूल आ जाएगा। अब न्यू टूल बार जैसे इसको अपन सेट करेंगे तो बाकी से वो बेसिक टूल अपन को शो होने लगेगा। अपन को न्यू टूल बार चाहिए तो जैसे इस पर अपन क्लिक करेंगे तो न्यू टूल बार में जाके अपना कोई से भी टूल से न्यू टूल बार फर्स्ट, ये अपना एक न्यू टूल बार है। जैसे इसको अपन ओके जैसे इसको अपन टूल करते हैं, राइट, अब ये पैनल आपको खुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अपना न्यू टूल बार अपन कस्टमाइज न्यू टूल से मैनेज कर सकते हैं। सब को सेलेक्शन टूल की नीड है तो इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल की नीड है तो अपन इसको क्लिक कर दिया। लास्ट टूल की नीड है, जो जो टूल अपन चाहिए वो टूल अपन ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। ग्रिड टूल चाहिए, कर्व टूल चाहिए, आर्क टूल अपन को चाहिए, स्पाइरल टूल चाहिए, रेक्टेंगल टूल चाहिए, तो ये टूल बन गया। मतलब अपने कस्टमाइज टूल कस्टमाइज टूल्स अपना बन गया। अब अपन को इसी टूल को मैनेज करना है, कोई चीज़ अपन को किसी चीज़ की नीड नहीं है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। सेकंड टूल नीड नहीं चाहिए, राइट, इस टूल क्लिक करेंगे तो अपने पास ये टूल रहेगा। अगर इसी टूल को अपन को वापस से रीसेट करना है तो रीसेट भी कर सकते हैं और बेसिक टूल भी कर सकते हैं। बेसिक टूल करेंगे तो फिर अपने जो मिसिंग टूल्स हैं वो वापस आ जाएंगे, और जो भी मैनेज करना है या कस्टमाइज टूल्स बनाने हैं तो अपन इसमें आसानी से बना सकते हैं। ओके गाइज, तो मुझे आशा है आज की क्लास आपको पसंद आएगी और मिसिंग टूल्स की जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।